तब जाके बाहर आया मैं। पॉपकॉर्न लेकर बैठ के वीडियो देखिएगा कि मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग में लगा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बस जो आप लोगों के सवाल थे बहुत सारे, हद से ज़्यादा, उसी सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ मेरे भाई बैठे हैं। तो आप लोगों का एक तरीके से मैं ज़रिया हूँ, आप लोगों के सवाल मैं इनसे पूछूंगा और देखें इनके पास क्या मेरे सवाल के जवाब हैं। तो कैसे हैं आप? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़े शर्मीले थे, आज मीडियम कैसे आ गए सर? नहीं भाई, शर्मीलापन ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए, मेरे लिए बेहतरी है। तो लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्यों ना आप इस चीज़ को बताएं। जैसे आप कतर में कितने साल से रहे? 5 साल से। 5 साल आपने कतर को दिया है, तो कतर से आपको क्या मिला, क्या सीखने को मिला? भाई पहली बात तो ये है जी, इसे लोग सोचते हैं कतर छोड़ दो, कोई भी कंट्री ले लो, दुनिया में कोई भी कंट्री, चाहे गल्फ हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई कंट्री हो, हर कोई, चाहे इंडिया में हो, चाहे जहाँ बैठे। मान लो मैंने युगांडा ले लिया, आगे तुमने युगांडा ले लिया, कहीं भी ले लिया, तुम घर बैठ के सोचोगे ये काश मैं अगर यहाँ चला जाता तो मेरी लाइफ ऐसी होती जैसे जन्नत। ये तो है, यानी कि वहाँ पहुँच करके जितनी भी हमारी ख्वाहिशें हैं, जितनी ज़रूरतें हैं, उन सब का हल होना वहीं से मुराद है, वहीं से पूरी हो जाएंगी, ये हमारी सोच है। सही बात है, और ये सोच मेरी भी थी, मेरी भी थी। ठीक है, मैं जब था इंडिया में सोचा था कैसे पहुँच जाऊँ बाहर, सारी दिल्ली आगे आगे, तो मैं भी सोचा था कैसे पहुँच जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, चाहे कतर, चाहे सऊदी, दुबई, कहीं भी जाऊँ। हाँ, क्योंकि इंडिया में जॉब पाना आसान है, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी 15,000-20,000 रुपये में, पर वो मिलेगी जॉब दिल्ली मुंबई में। हाँ, अगर आपका घर वहाँ पे है तो चलाऊ है, यानी कि हो सकता है कि आप सरवाइव कर ले। हाँ, लेकिन अगर आपका घर नहीं है, आप रेंट पे रहेंगे तो कैसे रह पाएंगे? कोई आपको कोई ऑप्शन नहीं बनता, फिर आपको शेयर में रहना पड़ेगा, तो फायदा पड़ेगा। अच्छा, फैमिली दूर वहाँ भी होना है, फैमिली दूर यहाँ भी होना है, और ज़िंदगी जीने के लिए हकीकत तो ये है कि फैमिली बहुत ज़रूरी है। हकीकत मुझे मतलब कौन जानेगा यहाँ पे, ये हकीकत है कैफ। अगर आप दुनिया में किसी को रह लो, पर अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, यानी कि आप ड्यूटी करके घर जा रहे हो और अगर आपको अपनी फैमिली मिल जा रही साथ में ना, तो आपकी जो दिन भर की थकावट है, परेशानी, टेंशन सब दूर हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में सबको पता है कि भाई जितनी सैलरी उससे ज़्यादा काम होता है, प्रेशर रहता है। ठीक है, क्योंकि इनको काम कर ले बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खा रहे हैं दुनिया में, CV लेके दे रहे हैं और क्या, कि हमें रख लो, हमें रख लो, हमें रख लो। तो इस ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। कंपनी सोचती है कि तुम नहीं तो कोई और सही। तो अच्छा, और यहाँ पे एक सीन काट रहा है, एक सीन यहाँ पे ये भी है कि लोग आज़ाद टाइप के वीज़े पे आते हैं और लोग इसीलिए ना, और वो लोग कहते हैं कि जो मिल जाए हम उसको ले लेंगे, वही मजबूर है वो, पता है वो सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर देते हैं इस कतर में, गल्फ कंट्रीज में, कहीं पे भी होता ये है कि वो आते आज़ाद वीज़े पे। अच्छा, आज़ाद होता कुछ नहीं है, ये एक फ्रॉड है, जाहिर सी बात है, मैं बता दूंगा, इस तरीके से फ्रॉड है, कुछ नहीं है, ये बस आ करके खुद को फंसाना है, यानी कि बस कहते ना किस्मत अपने आजमाने आ जाते हैं। हाँ, कुछ है नहीं आज़ाद वीज़ा। तो अच्छा, अब जब वो आ जाते हैं तो वो 3 महीने तक वो ढूंढते रहते हैं जॉब, अब नहीं मिलती है, तो फिर वो सोचते कि हम घर ना जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है ना, इज्जत की बड़ी फिक्र है, वो सोचते हैं अगर हम घर चले जाएंगे तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। हाँ, फिर पैसे अच्छे खासे लगा कर, और ये भी सोचते हैं कि जो जितना लगा के कम से कम उतना निकल जाए, उतना तो निकल जाए। हाँ, कम से कम साल भर रुक जाए। तो ऐसे लोग क्या होता है ना, फिर अगर उनकी रिक्वायरमेंट 2500 रियाल था, 3000 रियाल होती है, तो 1500-2000 रुपए आते कि चलो कुछ नहीं मिलेगा, गुजारा हो जाए, गुजारा हो जाए, कम से कम लोगों को शक्ल दिखा पाएंगे ना कि हमने यहाँ पे रह के दिखाया है। सही बात। अच्छा, एक बात आप ये बताएं, आपको यहाँ काट रहा हूँ, कुल मिला के बात आप ये बताएं, अभी कतर में अगर कोई इंडिया या नेपाल कहीं पे भी हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं भी हो, आना चाहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि किस बेस पे वो आए, उसको जॉब मिल जाएगी? भाई सच बताऊँ, हकीकत तो ये है, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं तो 5-5.5 साल तो हो गया, 6 साल से स्टार्ट हो गया है। हकीकत ये है कि हमारे अपने लिए जॉब नहीं है। सही बात है, हकीकत तो ये, यानी कि अगर हम चाहें कि जो हम काम कर रहे हैं, भाई हर किसी का एक वक्त होता है जब नया काम पे लगता है, उसको लगता है ये बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, पर कुछ साल गुजारने के बाद उसको लगता है कि यार मैं इसके ऊपर के भी लायक हूँ। सही बात है। ठीक है, अब मेरी सैलरी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान क्या है ना, ऊपर देखता है, नीचे नहीं देखता। तो लोग देखता है, सोचता है यार मुझे भी यहाँ जॉब करनी, मुझे भी ये करना है। मैं खुद पर्सनली खुद के लिए ढूंढ रहा हूँ जॉब, नहीं मिल रही जॉब। तो कतर में बहुत सारी हैं भाई, किसी को लेबर में आना है आ जाए, किसी को सफाई करनी है रोड पे आ जाए, तो ऐसी जॉब तो बहुत सारी, पर ऐसी में कोई नहीं चाहता ना। अभी किसी को किसी शेख की वो गाय बकरी ये सब संभालना है, भाई खुशी खुशी आ जाए, बहुत सारे लोग। ठीक है,
पर इसमें नहीं कुछ आता ना, जानते हैं ज्यादा। हर किसी को होता है, क्या है, कोई बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर, सोचता है मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो गया, कंप्यूटर सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, बस भाई मैं समझो सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर इन सब की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ना बीएससी की, ना बीकॉम की, ना बीए की, ठीक है। वो किस्मत होती किसी किसी, कोई लग जाता है, पर कोई हकीकत कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। सही बात है, बात है कि नहीं है, पॉइंट वाली है। भाई हमने भी वही किया है, तो हम मैं बैठा वही चीज हमने खुद वही किया है, वही किया। तो पर हमारी जॉब थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था कि लग गए, एहसान है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि या भाई आप बात तो बड़ी डिफरेंट कर रहे हो, बात यही है भाई, जो रियल है मैं वही बता रहा हूं, हकीकत है, ये हकीकत है। तो अगर कोई भी सुन रहा है, और अगर कोई किस आपके रिश्तेदार कोई बाहर रहते हैं, और आप लोग इंडिया नेपाल में जहाँ पर भी हैं वहाँ रह रहे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जॉब दिला दो। अगर वो बंदा जॉब नहीं दिला पा रहा है ना, तो वो ये मत समझे कि वो घमंडी हो गया है या हाँ। नहीं चाहता बुलाना, ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहता है, मजबूर है। हम खुद चाहते हैं कि जितने लोग हमारे बाहर रहेंगे, कतर रहेंगे, हमारी खुद हमारा मन लगेगा, हमारी खुद सहूलतें बढ़ जाएंगी। कि जब से फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, तब से काम बहुत कम हो गया कतर में, बहुत सारे लोग घर चले गए। ऐसा नहीं काम ख़त्म हो गया है या फिर एकदम कंपनियां बंद हो गई, ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है, बहुत सारे लोग परेशान है बेचारे कि यार काम नहीं है, सैलरी नहीं है। क्योंकि वाकई भाई जब फीफा वर्ल्ड कप के पहले जो तेज़ी से काम चल रहा था कतर में, बिल्डिंगों को बनना, रोड बनना, और ये सब फुटबॉल स्टेडियम बनना, तो बहुत सारे काम थे, मेट्रो, खूब सारी मेट्रो स्टेशन बनना, मतलब बहुत सारे काम थे, ड्राइवर्स की भर्ती करना, बस ड्राइवर्स की, मतलब बहुत सारे काम थे। पर जैसे फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म, एक सन्नाटा हो गया, कोई दिखता ही नहीं है। पहले सुबह आके सुनाते थे कितनी भयंकर भीड़, तुम तो देखे ही थे, अब देखो क्या है, कुछ नहीं है। अब कतर में देखो वो तभी है कि जब यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होगा, इवेंट होगा, तभी यहाँ पे भीड़ होगी। जैसे एफसी हुआ था, उसमें भीड़ थी, वही चीज़ वो ख़त्म, देखो फिर सन्नाटा, वही चीज़। तो मेरे भाई अगर आपको मैं बताऊँ सीधी सीधी बात, हकीकत ये, अगर बहुत लंबी हो गई है, लंबी ज्यादा बात करना, हम लोग वीडियो काट देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि पता आप बोर हो जाते हैं, हम खुद होते हैं बोर किसी बात सुन करके, तो आप तो क्यों ही सुनेंगे हमारी बात। पर ये आपके मतलब की बात बता रहा हूँ मैं भाई, जल्द बहुत जल्द खोलने वाले यूट्यूब, उनको सब्सक्राइब करेगा, मुझे नहीं खोलना यूट्यूब भाई, जिंदगी झंड वैसे ही है, हकीकत है भाई, जिंदगी झंड है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जैसी भी अच्छी है। अगर आपको बाहर आना है, सबसे पहली चीज़ आप ये करें, अगर आप इंडिया में हैं तो आप दो जगह ट्राई करें। पहले आप जाए पे दिल्ली जाएँ या मुंबई जाएँ, वहाँ पर जो सरकारी ऑफिसेज हैं, जिनके पास लाइसेंस है बाहर भेजने वालों के पास, हकीकत ये है ना, उन लोगों के पास वीज़े आते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे हैं, मैंने खुद ये पता किया है, जो कितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका कॉन्टैक्ट वीज़े होता है। अब वो चाहे वो उनमें कोई कमीशन वाला फिक्स हो, क्या हो, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता इस बारे में, पर उनका वो टाई अप, वो कुछ ना कुछ होता है ज़रूर, इतना मैं जानता हूँ। तो वो ना डायरेक्ट कंपनियां कतर की या जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो बल्क में 100, 200, 150, 20, क्योंकि वो कहाँ ढूंढेंगी कंपनियां, तो वो क्या करती है ना, वो डायरेक्ट इन कंपनी से बात करती है, इंडिया में जो बैठी हैं, और फिर वो क्या करते हैं ना, वो फिर काम को बांटते हैं, और फिर अक्सर लोग, यानी कि अक्सर लोग जो कतर या बाहर जहाँ भी आते हैं, वो ऐसे ही आते हैं। तो मेरी राय ये है कि पहले आप लोग वहाँ ट्राई करें, क्योंकि मैंने खुद अपने लिए वहाँ ट्राई किया था, दिल्ली मैंने ट्राई किया था, ठीक है, तो आप खुद वहाँ ट्राई करें। अच्छा, अगर ये ट्राई कर रहे हैं तो फिर रुकिए मत, इसके बाद एक काम करिए, जो कतर की बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे वो ऑयल कंपनी होगी, चाहे गैस कंपनी होगी, चाहे ओइडो कंपनी होगी, किसी भी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, वोडाफोन कंपनी कतर में है, हर कंपनी में आप गूगल पर डालेंगे सब कुछ मिल जाएगा, वो कितनी कंपनियां हैं, क्या है, उन पे जाए, उनसे कॉन्टेक्ट करें, रिज्यूम दें, बात करें, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं नहीं कहता कि इससे जॉब मिल जाएगी, मैं खुद ऐसे ही ट्राई करता हूँ जॉब के लिए। अभी जो कतर जॉब ट्राई आप लोग कर रहे हैं, वैसे ही करें, गवर्नमेंट की साइट्स होती है, ठीक है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें, बहुत सा जब गवर्नमेंट खोलेंगे तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें लेबर भी आएगा, डॉक्टर भी आएगा, इंजीनियर भी आएगा, और जो आप जिस लायक है उस लायक में जॉब वहाँ मिलेगी। पर मसला ये है, होगा नहीं होगा ये कन्फर्म नहीं होता है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं, पर कहते ना लगे रहें। मेरी अपनी बात है, मैं खुद 3-4 साल लगातार मेहनत की हूँ बाहर जाने के लिए, तब जाके बाहर आया मैं। पॉपकॉर्न लेकर बैठ के वीडियो देखिएगा कि मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग में लगा दूंगा, ठीक है, तो आप मूवी देखने वाले हैं। तो बस बात इतनी से थी कि बात बहुत लंबी थी। हाँ, बात लंबी भाई, देखो
ये जरूरी बात थी। आप लोगों की जो आंखें थी हमें खोलनी थी, हमने खोल दी शायद। बस सीधी सी बात यही है, ठीक है। बाकी आपको कतर जाना, कतर जाए, सऊदी जाए, सऊदी जाए, हर कंट्री अच्छी है, कतर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप बस लास्ट में इतना कहूँगा, बस इतना जाने, अगर आप कतर आ रहे हैं, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि भाई चलो अल्लाह आलम चलेंगे, देखेंगे जो होगा होगा, ऐसा मत। आप ये सोचें, अगर आपके पास बैकअप प्लान है, ये मत करके आए कि तब अगर आपका कतर में कुछ नहीं हुआ तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ऐसे ही आ रहे हैं घूमने टहलने के, आप तफरी करने आ रहे हैं, तो आइए, आ जाइए। लेकिन अगर आप सब कुछ लगा के बेच बाच के आ रहे हैं कतर में, ये सोच नहीं मिल जाएगा, तब तो भाई फिर आप गलती कर रहे हैं। अभी अभी सोच लें, मत आए, पक्का हो तभी आए। नहीं तो अगर पैसा आपके पास तो आए भैया, टहलू मिल रहा है, नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सीन रखे आए, मैं यही रखे आया था, है कि नहीं। सीधी सी बात यही है, सीधी सी बात। तो फिर ये कुछ थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको गलत लगा तो माफ करिए, माफ़ चाहेंगे आप लोगों से, ठीक है। और शक्ल थोड़ी काली आ रही, कोई बात नहीं। हकीकत तो जो देखो, जो हकीकत थी ये हो रहा है, काला गोरा छोड़ो, जो हकीकत थी हमने वो बताया है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो भाई अच्छी बात है, बुरा लगे तो माफ करिएगा, पर ये हकीकत थी। हाँ चले फिर, बाकी कमेंट आप जो जो करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सब्सक्राइब, चलो अस्सलाम वालेकुम।